Hi guys, welcome back to my channel again. I hope you guys are doing well. In this channel, I upload fashion, styling and lifestyle video twice a week. So don't forget to hit the like button, share and subscribe to my channel to see such more videos. So guys, I haven't received my order yet. I think it must be because of G20. And secondly, अभी जो मेरी तबीयत है, I'm not feeling well. I'm having fever and cold. मैंने medicine खा ली है. उसके बाद I am feeling little bit better. So of course, जो काम करना है वो तो देखो करना ही है. So I think whenever we are feeling low and उस दिन हम show up करते हैं अपने किसी भी काम के लिए या उस दिन जो आपको करेज मिलता है ना उसे करने के बाद and this sense of achievement आपको feel होता है ना वो किसी और दिन I think इतना ज़्यादा high level पे नहीं होता है. So I can feel it now while dressing up and showing in front of the camera, which I love the most, I think. So इसी में मुझे एक idea आया because previous week मैं CP गई थी. जस्ट स्ट्रोलिंग अराउंड वहीं पे हमें ई ब्लॉक में मुझे ये बहुत ही अमेजिंग से ना एक्सेसरीज वहाँ पे दिख रही थी जो मैं काफ़ी टाइम से परचेज करना चाहती थी. दिस ब्रांड एक्सेसरीज कंपैरेटिवली टू दैट इसका प्राइस एकदम चीप था गाइस एंड क्वालिटी वॉज ऑल्सो टॉप नॉच अंडर ₹50 में मुझे मिल गए. सो ई ब्लॉक मैंने आपको बता दिया है ठीक है. एंड टू द लेफ्ट साइड ₹50 में लगाए हुए थे उन भैया ने एंड टू दी राइट साइड इट वॉज ₹250. सो हाँ मैंने 250 वाले में से नहीं लिया, ₹50 में से लिया क्योंकि मुझे जो भी एक्सेसरीज चाहिए थी ना इयर रिंग्स चाहिए थे वो मुझे वहाँ पे दिख गए. सो आई थॉट इट्स अ गुड डील, अगर ₹50 में मिल रहे हैं वाई नॉट टू परचेज इट. एंड आई थॉट मैं आज आपको वही दिखा देता इन केस आप भी वहीं जाते हो, गो चेक इट आउट एंड पिक वन फॉर योर सेल्फ. सो देर आर आई टेल यू 7 पीसेस आई बॉट फ्रॉम देयर. ओके तो वहीं मैंने एयरिंग्स अनरैप करके रख लिए हैं, ऐसे पॉली बैग में दिया था उन्होंने विच इज़ नाइस एंड डिसेंट. मैं फर्स्ट वन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डैंगलर जो मैंने अमेजोन पे एक्सेसरीज ब्रांड से भी देखा था एंड दैट वाज रिटेलिंग फॉर ₹3,050 में. तीन उनके डैंगलर्स मिल रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ था, एक्सेसरीज ब्रांड से था बट मुझे वो सेम वहाँ पर ये पीस मिल गया. सो आई थॉट आई नीड टू गेट इट एंड ऑफकोर्स गाइज अच्छे क्वालिटी में था. सो दिस इज़ दी वन. तो इसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हुप दिया है एंड ये जो डैंगलर है ना उस पर ये वॉच बनी हुई है विद दिस अमेजिंग वाइट कलर. फ्रंट पे भी है एंड बैक साइड पे है विच इज़ क्वाइट नाइस, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड ₹50 में गाइस जब ये मिल रहा था तो आई वॉज लाइक आई नीड टू गेट इट, दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग. सो ऐसे जो पीसेज होते हैं ना, एक तो देखो आप इसे आराम से अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए पेयर अप कर सकते हो. ऑफकोर्स स्कूल में नहीं पहन के जा सकते हो. सो गर्ल्स इन केस आप स्कूल में हो तो आपको ये बाहर पहनना है, स्कूल में नहीं पहनना है. बाय द वे मैं अपना डेटा चेक करती रहती हूँ, वैसे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मुझे व्यूअरशिप मेरे पास आ रही है वो 25 to 35 एज ग्रुप के बीच में है. सो आई थिंक वे आर इन द सेफ जोन, सो आई एम सजेस्टिंग इन द साइड कैटेगरी. सो गाइज कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए ये ना बहुत ही ब्यूटिफुल सी ज्वेलरी रहती है एज दे आर वेरी लाइट वेटेड एंड सेकेंड ऑफ ऑल बहुत ही मिनिमलिस्टिक जब ज्वेलरी रहती है ना वो आप फॉर्मल वेयर में भी ना आराम से कैरी कर सकते हो. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसे लिया. और इसका जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस काइंड ऑफ लुक भी दे रहा था तो इसीलिए मैंने इसे पिक भी कर लिया. एज आई नेक्स्ट वन में मेरी सिमिलर है बट दे हैव गिवन दिस रेनबो एंड दिस क्लाउड बोथ द साइड पर अटैच है ना विच इज़ वेरी क्यूट गाइज. एंड डैंगलर्स ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, आई हैव अ थिंग फॉर डैंगलर्स एंड दैट टू शॉर्ट वंस. मुझे ना वो बिगर डैंगलर्स इतने ज़्यादा डिसेंट एंड अच्छे नहीं लगते हैं बट आई एम ओपन टू वेयर देम इफ इन केस यू मस्ट बी वंडरिंग. सो पहन सकती हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इफ आई विल टॉक अबाउट माई पर्सनल प्रेफरेंस आई जस्ट लव दो स्मॉल एंड दो स्टड एंड दीज, इतने तक के इयरिंग मुझे एकदम परफेक्ट लगते हैं. आई जस्ट लव इट एंड लाइट वेटेड भी होने चाहिए, ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड बैक साइड से इसमें सिर्फ ये जो गोल्ड कलर से हुप है ना वही दिया है, बैक साइड पर रेनबो की डिटेल नहीं दी है. जैसे उस प्रीवियस वन में वाइट कलर से जो वॉच बनी थी वो बैक साइड पर भी दिया था, इस पर नहीं है, ओनली इन द फ्रंट दिस ब्यूटिफुल रेनबो विच इज़ देयर. सो इसलिए ले लिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था. इसको मैं अपने आउटिंग वगैरह के लिए आराम से पेयर अप कर पाऊँगी, देखते हैं कैसे पेयर अप करना है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था. वहीं पे ना एक्सेसरीज़ में एक और ऑप्शन था विद दिस ईविल आई वाला ना, वो भी वहाँ पे अवेलेबल था गाइस, मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे ईविल आई वाला नहीं लेना था. सो इफ़ इन केस आपको अगर ईविल आई वाला लेना है तो आप आराम से वहाँ पे ले सकते हो. एंड आई वाज स्टन्ड टू सी कि इतने सारे जो भी ऑप्शंस हम अमेज़ॉन पे भी देख रहे हैं या
मिंत्रा पे चेक कर रहे हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल थे. आई वॉज लाइक रियली नाइस, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, दैट टू 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं, अनदर साइड पे 250 में थे. वो थोड़े ना बिगर इयरिंग्स थे, सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक दैट वॉज रिटेलिंग फॉर 250 रुपीज़. एंड थोड़े बिगर ऑप्शन एंड लाइक दीज काइंड ऑफ स्टड ऑप्शन और भी बहुत सारे थे उनके पास, बट आई डोंट नीड दोज राइट नाउ, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने नहीं लिया. सो जो भी मेरे एक माइंड में मैंने एक लिस्ट में मिंत्रा में ऐड करके रखे थे ना, मैंने वो वाले ही पिक किए. ऑफकोर्स अभी भी कुछ हैं जो मुझे वहाँ नहीं मिल पाए, सो आई थिंक आई विल गेट इट फ्रॉम मिंत्रा और फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट. लेट्स जस्ट सी टू इट. टिल देन अभी जो है वही दिखा देती हूँ आपको. सो नेक्स्ट वन मैंने ये बहुत ही ब्यूटिफुल से ना स्टड्स लिए हैं, विच इज़ इन गोल्डन कलर. एंड गाइस इस पर ये जो स्टोन अटैच है ना ग्रीन कलर से, वो मुझे इतना ज़्यादा लग्जूरियस काइंड ऑफ लुक दे रहा था ना, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसे पिक किया. एंड आई थिंक ये इस कुर्ती के साथ और जो सूट के साथ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेयर अप कर सकती हूँ मैं. और मुझे ना इसका ये जो ग्रीन कलर है ना, वो इतना ज़्यादा ब्रिटिश लग रहा था, सो आई थॉट आई नीड टू गेट दिस वन. और ये जो गोल्ड डिटेल है एंड दिस कलर कॉम्बिनेशन, इट इज़ गोइंग वेरी वेल पुट टुगेदर वन ना, तो इसीलिए ले लिया. लाइट वेटेड भी है, इतना ज़्यादा इसमें वेट भी नहीं है. सो अनदर वन ना मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये मल्टी कलर में ग्रीन एंड पीची फ्लारी डिटेल में ये इयरिंग लिया है. एज यू कैन सी इस पे ये फ्लावर बने हैं एंड दीज डैंगलर्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. थोड़ा जो इस पे ये पेंट हुआ है ना, वो थोड़ा मधुबनी स्टाइल में मुझे लग रहा है. एज यू कैन सी फ्लावर भी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है. ऐसा पैटर्न ना गाइज मैंने ज़ारा में देखा था लॉन्ग टाइम बैक, एंड आई थिंक दैट वाज रिटेलिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2900. एंड आई वाज लाइक ओ आई फाउंड सिमिलर काइंड ऑफ पीस एंड दैट टू अंडर ₹50, तो आई नीड टू गेट दिस वन. और क्वालिटी भी ना अच्छी क्वालिटी के इयरिंग्स हैं, लाइक नन ऑफ देम वर लुकिंग अ चीप क्वालिटी वन, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने 7 पीसेस भी लिए वहाँ से. बिकॉज सी आई गो टू ज़ारा एंड ऑल दोज प्लेसेस, तो मुझे पता चल जाता है कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है या कहाँ पर क्या डिटेल्स का डिफरेंस आता है ना, तो इसीलिए शायद मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मुझे अभी आ गई है कंपेरेटिवली कि कहाँ से क्या चीज़ें ले लेनी चाहिए. तो अगर अच्छी क्वालिटी में आपको अंडर बजट एंड चीप में भी मिल जाता है ना, जस्ट गो एंड गेट इट. इन एनी केस यू जस्ट हैव टू वेयर इट. सो या दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ऑप्शन. और इस पर जो पीच कलर से फ्लावर बनाया है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है. एंड सेकेंडली आई थिंक दीज काइंड ऑफ पैटर्न लुक वेरी नाइस व्हेन यू वेयर लाइक योर वाइट शर्ट, या आप इसको अपने कुर्ती वगैरह के साथ भी ऑफकोर्स स्टाइल कर सकते हो. बट जो आपके आजकल वो क्रॉप टॉप चल रहे हैं वाइट कलर के, उसके साथ भी पेयर अप करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टाइल देम इन मल्टीपल वेज, सो इन कमिंग वीडियोज़ आप देखने वाले हो कि मैं ये पीसेस को कैसे स्टाइल करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड फॉर द मेन टाइम आप जाओ वहाँ पे, चेक फ्रॉम देयर. मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया. आई थिंक आपको वहाँ पे और भी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे. क्वालिटी एकदम अच्छी है, 50 रुपीज़ में है. तो ऑफकोर्स आई थिंक आई नीड टू टेल यू गाइज ऑल्सो, अगर मेरे को कोई भी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती है कहीं पे चीपर क्वालिटी में, सो आई थिंक आई हैव टू शेयर इट विद माय कम्युनिटी, सो दैट आप लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको. सो 3 of them आर सिल्वर. सो गाइज फर्स्ट वन मैंने, सो आउट ऑफ 3 जो सबसे पहला सिल्वर ऑप्शन है गाइज, मैंने स्नेक्स लिए. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्नेक. आई थिंक मुझे ना इट रिमाइंडेड मी ऑफ कॉमलिका फ्रॉम कसौटी जिंदगी की. आई थिंक शी यूज़ टू वेयर अ बिंदीज, लाइक दीज काइंड ऑफ बिंदीज, और उस पर वो स्टड भी लगाती थी. आई जस्ट रिमेंबर इट, आई वॉज इन स्कूल एंड वी यूज़ टू वॉच लिटिल बिट ना, वाइल माई मदर इज़ वॉचिंग दोज टीवी सीरियल. इन आजकल ऐसे डैंगलर्स ना, जिसमें डिफरेंट आपके शेप्स एंड साइज़ में आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. I've seen it like whether it will be in the cube size या hexagon size में है या different style में है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला पिक कर लिया. लाइट वेटेड है एकदम एंड इट्स वेरी नाइस, ईजी टू वेयर भी है, तो इसीलिए मैंने ले लिया. आई थिंक आई एम गोइंग टू वेयर इट इन डिफरेंट वेज. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एज आई टोल्ड यू इट रिमाइंडेड मी ऑफ कॉमलिका फ्रॉम कसौटी जिंदगी. आई जस्ट थॉट इन माई माइंड राइट नाउ. एंड नेक्स्ट वन मैंने ये झुमकास लिए हैं, वेरी प्रिटी एंड वेरी
लाइट वेटेड. एज आई टोल्ड यू आई हैव अ थिंग फॉर लाइट वेटेड वन एंड दैट टू वाइट इज ऑल्सो माई फेवरेट कलर. सो आई हैव टू गेट इट. सो दीज आर द वन विच इज़ इन वाइट कलर. बैक साइड पे कोई पेंट नहीं दिया है बट फ्रंट पे दिया है. एंड दीज लिटिल बिट डिटेल्स जो बहुत ही ब्यूटिफुल सी साउंड भी क्रिएट कर रहा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. सो या वेरी लाइट वेट, ईजी टू वेयर. कुर्तीज के साथ आराम से पैरअप कर सकते हैं ना आजकल. तो ऑफकोर्स आप शॉर्ट्स के साथ भी कर सकते हो बट मैंने ये वाला ना कुर्ती के लिए लिया है. आई थिंक दीज आर वेरी नाइस. आई जस्ट लव्ड इट. और ऐसी डेंटी ज्वेलरी ना काफ़ी टाइम तक चल भी जाती है गाइज. आई हैव फ्यू ऑफ देम एंड ट्रस्ट मी मैं उनको बहुत ज़्यादा रीवेयर भी करती हूँ. तो सो नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिल्वर कलर डैंगलर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक तो इसमें ये स्क्वेयर में हुप्स दिए हैं और उसके नीचे ये जो राउंड शेप में डैंगलर अटैच है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था इन अ वे बिकॉज मेरे पास ऐसे स्टाइल में तो देखो अभी तक कोई भी डैंगलर नहीं है. सो आई थॉट आई नीड टू गेट दिस वन. एंड लाइट वेट है ये भी. एज आई मेंशन मैंने कोई भी ऐसा एयरिंग नहीं लिया है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो. सो दैट आई ऑलवेज मेक श्योर एंड दीज आर वेरी नाइस. Guys, thank you for watching this video. I hope you like this video. Don't forget to hit the like button, share and subscribe to my channel to see such more video. And guys, year के starting में ही आपने और मैंने new resolution लिया था कि मैं यहाँ पे हर Tuesdays and Friday को video post करने वाली हूँ. And I'm sure आपका भी एक new resolution रहा होगा जो भी है. So if in case आपने उसको उस idea को कहीं पे भी drop कर दिया, so pick that up from there itself and just do it, guys. So that थोड़ा बहुत भी अगर उसमें प्रोग्रेस हो जाता है बाय नेक्स्ट ऑफ द ईयर तक तो कितना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ना. एंड डोंट लूज होप गाइस, लेट्स डू इट टुगेदर. एंड आई थिंक द वे आई एम सिटिंग हियर एंड मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, सबकी लाइफ में होता है. नोबडीज लाइफ इज़ परफेक्ट, दैट आई अंडरस्टैंड. एंड सो गो पिक दैट थिंग अप फ्रॉम देयर इटसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग इट सो दैट साल के एंड तक कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हो जाएगा ना. समथिंग विल कम आउट ऑफ इट. आई नो इट. सो गो डू इट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग इट. सो वी आर इन दिस टुगेदर. ठीक है, चलो बाय. टिल देन प्लीज़ टेक केयर.